आरबीआई और सरकार के बीच हुए मतभेद को कोई नहीं भूल सकता। खबरें थी कि सरकार का ऐसा मानना था कि आरबीआई के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व है, ऐसे में वो इस रिजर्व का कुछ हिस्सा सरकार को ट्रांसफर कर दे ताकि देश में कैश की किल्लत कम हो सके, लेकिन आरबीआई इस बात के लिए मंजूर नहीं थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर के इस्तीफे के पीछे भी इसी वजह का हाथ बताया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आरबीआई सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर बैंक है? यहाँ तक कि अमेरिका के केंद्र बैंक के पास भी इतना पैसा नहीं है। आरबीआई के पास 9.6 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व है। सरकार इसमें से कुछ राशि का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन पूंजी को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दलील दी कि ये राशि रिजर्व बैंक की एसेट के 28% के बराबर है, जबकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सिर्फ एसेट्स का 14% हिस्सा ही अपने पास रखते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में समिति की पहली बैठक 8 जनवरी को हुई। समिति रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड और सरकार के डिविडेंड के बारे में अपनी सिफारिशें देगी। खबरों के मुताबिक 6 सदस्यों वाली ये समिति अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। ये समिति दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के रिजर्व फंड का आकलन करेगी और केंद्रीय बैंक के बही खातों के सामने आने वाले जोखिम के ऊपर अपने सुझाव देगी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब आरबीआई के रिजर्व को लेकर कोई विवाद हुआ है। इससे पहले भी 3 समितियां इस मुद्दे की जांच परख कर चुकी हैं और अपनी सिफारिशें दे चुकी हैं। साल 1997 में एक सुब्रमण्यम समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि कंटिंजेंसी रिजर्व फंड 12% तक रखा जाना चाहिए। इसके बाद 2004 में बनी उषा थोराट समिति ने कंटिंजेंसी रिजर्व फंड को 18% रखने की सिफारिश दी। रिजर्व बैंक ने थोराट समिति की सिफारिशों को नहीं माना और सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को अपनाने का फैसला किया। वहीं 2013 में गठित मालेगांव समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि मुनाफे में से राशि हर साल कंटिंजेंसी रिजर्व फंड में जानी चाहिए।